हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन एन पी सी चैनल वैर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रोजेक्ट एंड मोशन ओके दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टू डी मोशन और वी कैन से प्लान ओके मोशन इन प्लान का एक ये एग्जाम्पल है एंड लास्ट के वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे क्योंकि टू डायमेंशन के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में नहीं आएगा इसीलिए आई रेकमेंड आई सजेस्ट कि आप लास्ट के वीडियो लेक्चर्स देखिए उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एंड यस हमारा टाइम से हो इसीलिए हमने इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स को पहले रिटर्न कर लिया पहले लिख लिया है और उसके बाद में आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगा ओके आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही होंगी ओके okay. चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्चुअल मीनिंग है मोशन अंडर ग्रेविटी ओके मीन्स ग्रेविटी की प्रेजेंस में जो मोशन होता है उसे ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं हालांकि ये टू डी मोशन क्यों क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों प्लेन्स में दोनों एक्सेस में मोशन होता है ओके okay. आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बॉल को थ्रो करें या किसी फुटबॉल से आप किक करें तो उसका मोशन इस तरह से होता है ये आप जो डायग्राम दे, देख रहे हैं इस तरह से मोशन होता है आपने इनिशियल यहाँ से फुटबॉल को किक किया ठीक है कोई भी बॉल हो सकती है आपकी क्रिकेट बॉल हो सकती है तो उस तरह से अगर आपने यहाँ से थ्रो किया अपर डायरेक्शन में तो ये इस तरह का पाथ कवर करेगा आपका ऑब्जेक्ट एंड अगेन ग्राउंड पे आ जाएगा ठीक है इससे हम प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हैं ठीक है आपके सिलेबस में प्रोजेक्टाइल मोशन के काफ़ी सारे वेरियंट है ओके फॉर एग्जाम्पल अभी तो हम ग्राउंड टू ग्राउंड बात कर रहे हैं आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेसिक है हमारी जो बुक में है वो बेसिक है बट इसके जो अपर लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है आईआईटी आई नीट में जो आते हैं वो हम आगे जो वीडियो बनाएंगे नीट और आईआईटी के उसमें समझाएंगे ठीक है अभी हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्लियर है देखिए अब आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और उस ऑब्जेक्ट ने इस तरह का पाथ कवर करने में जो मोशन हुआ है उस ऑब्जेक्ट का दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ओके प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सो एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बींग थ्रोन और प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ठीक है मीन्स अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है इन प्रोजेक्टाइल देन दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन ओके अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है टू डी का तो प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का जो वे होगा वो इस तरह से होगा अब ये जो वे है ये शो कर रहा है टू डायमेंशन को कैसे तो देखो यहाँ पर इनिशियली तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे है बट यहां पर अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑब्जेक्ट ने एक्स एक्सेस भी कवर किया एंड यहाँ पे वाई एक्सेस भी कवर किया ठीक है तो हो गया ये टू डायमेंशन ठीक है अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पे आ जाए तो इतना ऑब्जेक्ट ने एक्स डिस्टेंस कवर किया इतना वाई डिस्टेंस कवर किया तो ऑब्जेक्ट एक्स में भी और वाई में भी दोनों एक्सेस में मोशन कर रहा है इसीलिए हम इसे टू डायमेंशन कहते हैं ओके ये बात क्लियर है एंड जब भी हम टू डायमेंशन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी या एक्सलरेशन या पोजीशन को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं क्यों क्योंकि यहां है। okay? किया हमने कि हमने इस डायरेक्शन में And, से ये थीटा एंगल पर क्रिएट हुआ इसका मतलब है ये इससे बोलते हैं प्रोजेक्टेड एंगल ठीक है मीन जिस एंगल पर आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है उस एंगल को बोलते हैं प्रोजेक्टेड एंगल ओके नाउ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो यू के टू कॉम्पोनेंट हुए थीटा के साथ यू कॉस थीटा होता है ओके एंड इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका टू यू साइन थीटा होता है ओके तो हम क्या करते हैं कि कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया तो फर्स्ट आपका कंपोनेंट है वन इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल ठीक है हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट मिला आपको यू कॉस थीटा ओके एंड सेकेंड इज वर्टिकली डायरेक्शन में तो वर्टिकली डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट मिला दैट इज द यू साइन थीटा ओके इस सारी सिचुएशन को हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन नेगल है ठीक है अगर ये प्रेजेंस होता है एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन तो ये सारी चीजें डिफरेंट होंगी ठीक है अब देखो यहां पर हमने क्या किया कि इस इनिशियल पोजिशन से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट जब यहां पर पहुंचेगा ऑब्जेक्ट ने जब यहां पर पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में वो यू कॉसिटाई रही क्यों क्योंकि देखिए पहले एक्सलरेशन की बात करते हैं क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन जीरो है ठीक है क्यों क्योंकि एक्स डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है बॉडी पर कोई एक्सलरेशन नहीं हो रहा है सेम वेलोसिटी से मोशन कर रही है ठीक है तो इसमें क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन का जो आपका एक्सलेशन है वो जीरो है एक्सलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट सो एक्स डायरेक्शन में आपका जो वेलोसिटी है वो सभी पॉइंट पर कांस्टेंट होगा मीन्स यू कॉस सीटा इस पॉइंट पर भी होगा यू कॉस सीटा इस पॉइंट पर भी होगा सभी पॉइंट्स कहाँ किसी भी पॉइंट पर आप एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी देखें तो वो कांस्टेंट होगी एंड वो होगी यू कॉस सीटा क्लियर है अब देखिए जब आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन को अपोज करने के लिए ग्रेविटी जो सेंटर ऑफ अर्थ पे लगता है ग्रेविटी अपोज करता है मोशन को ठीक है ग्रेविटी अपोज करता है मोशन को इसीलिए देखिए इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अगर आपने सपोज करें कि फोर मीटर पर सेकेंड से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो धीरे 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 इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा और इस पॉइंट पे आके जब वो और ऊपर नहीं जाएगा ठीक है ये पॉइंट आपका लास्ट है इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है आपका ऑब्जेक्ट तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई ठीक है फिर धीरे 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 इंक्रीज हुई और यहां पर मैक्सिमम हो गई ठीक है मीन जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया अब ये ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में हो रहा है ठीक है मीन्स अगर आप इसकी बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ग्रेविटी ठीक है जी यहाँ पर बात करें तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सो so, हम साइन लेंगे नेगेटिव ठीक है मीनस माइनस जी एक्सलरेशन इन तो एक्सेलरेशन ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी रखा एंड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन so, जीरो तो पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन यू को सीटा होगा बट यू साइन डीटा जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा ओके क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द माइनस जी क्लियर है ये टू पॉइंट्स अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्री पॉइंट्स कवर करने वाले हैं फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि अगर आपने फुटबॉल को यहां से यहां से थ्रो किया और फुटबॉल सेकेंड पॉइंट पर ग्राउंड के सेकेंड पॉइंट पर आ गए ठीक है सपोज करते हैं हम ओ से थ्रो किया एंड इस पाथ को कवर करते हुए पॉइंट ए को कवर करते हुए बी पॉइंट पर आया बी पॉइंट ग्राउंड पे तो यहां से यहां तक ओ से बी तक पहुंचने में जो टोटल टाइमिंग लगा है उसे बोलते हैं आप टाइम ऑफ फ्लाइट ओके एंड दिस इज द मैक्सिमम हाइट जहां पर वेलोसिटी वेलोसिटी इन यहां पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो तो है होगी वी वाई इज इक्व टू जीरो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है सो वी एक्स जो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे फाइनल पॉइंट है आपका तो यहाँ पर v हम सपोज कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी तो वी एक्स तो आपका u cos क्वालसिटा ही होगा ठीक है सेम बट वी वाई इज इक्वस टू जीरो होगा तो ये जिस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी उस पॉइंट के लिए जो हाइट होगी दैट इज द मैक्सिमम हाइट तो आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करना है एंड ऑब्जेक्ट ने जो ग्राउंड में मोशन किया है टोटल उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आर इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है range, आपको वो फाइंड करना है ठीक है तो ये थ्री कॉम्पोनेंट फाइंड करना है कैपिटल टी एच एंड आर लेटर सी ओके फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट ओके इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है अब हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वाई डायरेक्शन में मोशन कर रहा है ठीक है मीन्स यहां से जीरो टू ए एंड ए टू बी गया तो हम हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो टाइमिंग है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं एंड अगर एंड उसे आप डबल कर देंगे तो आपका टोटल टाइमिंग आ जाएगा ठीक है मीन्स यहाँ से जीरो टू ए आप टाइमिंग टी फाइंड कर लें और ए टू बी ऑटोमेटिकली अगर उसे टू टाइम्स कर देंगे टी को टू टाइम्स कर देंगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्ट जितने टाइम में ऊपर गया उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट नीचे भी आएगा ठीक है इसीलिए टाइमिंग सेम होगा सो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी सो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्योंकि हम वाई डायरेक्शन ले रहे हैं तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वी यू वाई इज इक्व टू यू साइन डीटा इनिशियल के लिए यू सपोज कर रहे और फाइनल के लिए बी ठीक है वी वाई हम अभी जीरो टू ए बात कर रहे हैं तो आपका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा हुआ एंड फाइनल वेलोसिटी वी वाई इज इक्वस टू जीरो क्योंकि पॉइंट ए पर मैक्सिमम है और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई फिर धीरे धीरे वो आ, इंक्रीज होगी ठीक है इनिशियली क्या होता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होती है आगे इंक्रीज होती है ओके नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अब यहां पर फाइनल वेलोसिटी वी वाई हो जाएगा यू वाई एंड ए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ए वाई एंड टी ठीक है टाइम जीरो टू ए डिस्टेंस के लिए ओके सो वी वाई इज इक्वस टू जीरो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे यू साइन थीटा एंड प्लस ए वाई क्या हुआ माइनस जी ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी इन टी तो यहां से आपका टी टी सब्जेक्ट किया टी इज इक्वल टू यू साइन थीटर ये हाफ डिस्टेंस जीरो टू ए आप गए देन आपका जो टाइमिंग है वो होगा ठीक है अब मैंने क्या कहा कि टाइमिंग तो सेम होगा ए टू बी भी उतना ही टाइम लगेगा ठीक है सो ए टू बी इसे डबल कर देंगे तो टोटल आपका जो ऑब्जेक्ट है थ्रो किया से एंड अगेन पॉइंट पर आया तो टोटल जो टाइम है कैपिटल ओके दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट नाउ मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट मीन्स जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन वाइट डायरेक्शन जीरो हो जाती है उस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट होता है तो उस उससे आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो डेरिवेशन है उस वो फाइंड करते हैं ठीक है तो हमने अगेन सपोज किया कि आपका ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो वाई डायरेक्शन की जो इनिशियल वेलोसिटी है यू वाई इज इक्वल टू यू सैंड इट एंड फाइनल वेलोसिटी वीवाई इज इक्वल टू जीरो माइनस जी है ओके एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर मैक्सिमम हाइट जो है वो एच है कैपिटल एच ठीक है कैपिटल एच से डिनोट करते हैं हम मैक्सिमम हाइट को तो आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग वी स्क्र इज इक्वस टू यू स्क्र प्लस टू ए एस एंड वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो हम वाई के कॉम्पोनेंट्स लेंगे वी वाई स्क्वायर प्लस यू आई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इन टू एच एस डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट क्या है मैक्सिमम हाइट तो एस के प्लस पे हम एच पुट कर देंगे ओके एंड यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे आप तो आपका एच इज इक्वल्स टू होगा यू साइनडीटा अपॉन टू जी ठीक है ये मैक्सिमम हाइट है आपका यहाँ पर अगर आपको एंगल दें जी की वैल्यू तो आप सपोज करते हैं टेन तो सारी वैल्यूज पुट करके आपका मैक्सिमम हाइट फाइंड हो सकता है ठीक है एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल आर तो कैपिटल आर क्या होता है तो कैपिटल आर ये होता है कि जिस पॉइंट ग्राउंड के जिस पॉइंट से आप थ्रो करना बॉल को या ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं एंड अगेन ग्राउंड के सेकेंड पॉइंट पर बॉल आ जाती है तो so, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल रेंज ओके इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स एक्सिस में हो रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही आप फाइंड कर रहे हैं ठीक है So, यहां पर आपने जो मोशन कंसिडर किया इन एक्स डायरेक्शन ओके तो एक्स डायरेक्शन के सारे वेरिएबल्स लेंगे आप एक्स तो डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस्टा एक्सलेशन तो जीरो होता है एंड एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है मीनस हॉरिजॉन्टल रेंज वो हम कैपिटल आर रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइमिंग जो टोटल टाइम है जीरो टू बी टोटल टाइम कवर हुआ है दैट इज द आर ठीक है अब आप कायनामेटिक इक्वेशन यूज कर लें सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे तो एस इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ एडी स्क् एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स ले लेंगे सारे सो so, आपका आर मिलेगा यू क्योर साइन टू टीटर अपॉन जी ठीक है यहां से क्या हुआ ए एक्स तो जीरो तो ये वाला जो टर्म है ये तो जीरो हो गया अब टी की जो वैल्यू है ये ये यहाँ से आपने पुट किया सो टू साइन थीटा कॉस्टीटा साइन ठीटा एंड टू कॉसिटा ये फॉर्मूला बनता है साइन टू टीटा का साइन टू ठीटा का तो हमने टू साइन टीटा कॉसिटा के प्लेस पे साइन टू ठीटा वोट कर दिया ठीक है सो आर इज इक्वल टू यूज प्यर साइन टू ठीटा अपॉन जी दैट इज द होरिजोंटल रेंज तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में ये थ्री वेरिएबल्स को फाइंड किया टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट एंड होरिजोंटल रेंज आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है तो हम आके भी आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे चर्चा करेंगे टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच